क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो। आस पड़ोस में तुमको लूजर कह रहा है, दुनिया के लोग तुमको डफर कह रहा है, बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो। मन कर रहा है कि गिवअप कर दूं, चाहे दुनिया की इधर हो जाए, गलती से भी गिवअप नहीं करने का। बॉस तुम्हारा प्यार का कटरा तुमको ही निकलना पड़ेगा। तुम लोगों के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ तुम्हारा बारे में सोचो। लोग तुम्हारा बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर तुम ये सोचोगे तो लोग क्या सोचेगा? बॉस ये जितनी परेशानी है ना, ये दुनिया के हर सक्सेसफुल लोगों के साथ थी और रहेंगे भी। हर सक्सेसफुल लोग इस परेशानी से गुजरा है, इस परेशानी को फेस किया है। तुमको पता है ना, जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं उस पेड़ पर ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। और ये मेरा बात नहीं, ये भगवद गीता में कहा है। जिंदगी वैसी नहीं जैसे तुम देखते हो, जिंदगी वैसी है जैसा तुम सोचते हो। जिंदगी में अगर जीना है लोगों की भरोसे पर मत जियो, बल्कि खुद के भरोसे पर जियो, जिंदगी का नाच बदल जाएगी। तुमको पता है ना, भगवान दर्द उनको देता है जिनके अंदर दर्द सहने का क्षमता होता है। बस तुम्हारे अंदर अभी तक जोश पैदा नहीं हुआ है ना, तो चलो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये कहानी सुनकर तुम्हारा जिगर फट के हाथ में ना आ जाए तब तक मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया और मूर्तिकार जंगल में जाकर दो बड़ा बड़ा पत्थर लेके आया। उसने कहा, दो पत्थर से एक मूर्ति बनाऊंगा। मूर्ति बनाते बनाते जैसे उन्होंने छेनी हथौड़े का वर किया, तो एक पत्थर में से आवाज आया, स्टॉप इट्स पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। और मूर्तिकार उसको छोड़ दिया, क्योंकि उस पत्थर की दर्द हो रही थी छेनी हथौड़े की वर से। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया, उसमें भी छेनी हथौड़े का वर किया। वर करते करते मूर्तिकार पत्थर से कहा, इट्स पेनिंग। तब पत्थर में से एक आवाज आया, इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और मूर्तिकार पूरा पहचान के साथ ये काम करता रहा। कुछ दिन बाद दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। मूर्तिकार को ऑर्डर मिला था मूर्ति बनाने का और उन्होंने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। जो पत्थर चोट नहीं सह सका वो पत्थर वही पड़ा था, और जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा, मेरी मूर्ति रेडी हो गई? उसने कहा, हाँ। तो वो इंसान मूर्ति को ले जाने लगे, ले जाते गेट पे रुक गया। तब मूर्तिकार ने कहा, सब कुछ दिक्कत हुआ क्या? तब उस इंसान ने बोला, इस पत्थर को भी साथ में ले जाए क्या? जो पत्थर चोट सह नहीं पाया। मूर्तिकार ने बोला, मेरी किसी काम का नहीं, लेकिन करोगे क्या? तभी उन्होंने बोला, भक्त लोग मूर्ति पे प्रणाम करेंगे और ये पत्थर नारियल फूलने काम में आएगा। और मूर्तिकार ने बोला, ठीक है तो ले जाओ। और मूर्ति लग गया मंदिर में और पत्थर लग गया मंदिर के ठीक सामने। और मूर्ति की होती पूजा और उसकी होती ठुकाई। हर 15 मिनट पर कोई आता है, मूर्ति को प्रणाम करता है और उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ के चला जाता है। तो बस ठीक इस कहानी की तरह तुम्हारा जिंदगी भी है। अगर मंदिर का मूर्ति बनना है तो दुख दर्द तो सहना ही पड़ेगा बॉस। और अभी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम किस टाइप का पत्थर बनना चाहते हो, मंदिर वाला या ठुकाई वाला। बॉस अगर ये स्टोरी सुनकर भी तुम्हारा अंदर आग पैदा नहीं हुआ है ना, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, मैं सब कुछ समझा दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आगे बढ़ते रहना।